हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। और टुडेज टॉपिक इज रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वी हैव स्टडीड दिस इन 11th एंड 12th क्लासेस। दिस इज बेसिक रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड ट्रांसमिशन ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर विद कंसिक्वेंट इमिशन ऑफ रेज एंड पार्टिकल्स। देन रेडियो आइसोटोप्स, डेफिनेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इज दीज आर द एटम दैट कंटेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड डेसिपेट एक्सेस एनर्जी बाई स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। दिस एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट सिंबल एंड द जेड रिप्रेजेंट एटोमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटोन। A represent mass number that is proton plus neutron. Then we talk about types of radioisotopes on the basis of occurrence. These are of two types, natural and artificial. Example are radium-226, carbon-12. Natural की बात करें तो most of the isotopes which occur naturally आर स्टेबल। ए फ्यू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड ऑल मैन मेड आर अनस्टेबल। आर्टिफिशियल्स आर अल्टरिंग द एटम्स बाई यूजिंग ए न्यूक्लियर रिएक्टर और साइक्लोट्रॉन। अनस्टेबल ए फ्यू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड ऑल मैन मेड आर अनस्टेबल। अनस्टेबल कैन बिकम स्टेबल बाई रिलीजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। मीन की जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर से डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल को इमिट आउट करेगा। और जो ये प्रोसेस है पार्टिकल को अपने अंदर से इमिट आउट करने की, इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और जो एलिमेंट ऐसा करेगा उन एलिमेंट को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे दो टाइप के हैं, लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स एंड कॉस्मोजेनिक। लॉन्ग लिव्ड की बात करें सबसे पहले ये क्रिएट किए गए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम नियरली 4.6 बिलियन ईयर एगो। दीज आर वेरी लॉन्ग half-lives are still present on Earth, includes 40K with a half-life of 1.28 billion years, and these two are other examples. Cosmogenic are a result of cosmic ray activity in the atmosphere. Cosmic ray eject from stars are at very high speed, shatter other atom on collision process known as spallation. Some nuclide produced during spallation are unstable atoms with a different atomic structure and atomic number. Characteristics की अगर हम बात करें, characteristics और properties of atom radioactive isotopes, we have 5 characteristics: emit radiation, half life, penetration property, same chemical property, different physical property. Firstly, we will talk about emit radiation. Radioactive isotopes are unstable. तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को बाहर निकालेंगे ताकि वो स्टेबल हो सकें। मेनली 3 टाइप ऑफ रेडिएशन को वो अपने अंदर से इमिट आउट करेंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एटम है, इसमें से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रेडिएट आउट होगी एंड पार्टिकल्स निकलेंगे टू बिकम स्टेबल। देन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल, तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेडिएशन। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हर एक पार्टिकल 2 प्रोटॉन का है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स जो कि आइडेंटिकल है किसके, टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बीटा पार्टिकल का हर एक जो पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन है। क्रिएट कब होगा, जब न्यूक्लियस का डिके होगा। जो गामा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि एक्सरे के सिमिलर है। सेकंड है रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर +2, -1 एंड 0। आयनाइजिंग इफेक्ट की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग है, इसका वीक है, और इसका वेरी वीक आयनाइजिंग इफेक्ट है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, और ये उससे भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। इफेक्ट ऑफ फील्ड की बात करें तो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा बाई मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सेम प्रॉपर्टी रखेगा। बट ये जो गामा पार्टिकल है ना तो वो बीटा
या ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। देन हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप। इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर रेडियो न्यूक्लियाई टू डिके टू वन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ओरिजिनली प्रेजेंट। एब्रीवेटेड फॉर्म में टी हाफ। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा डीके कांस्टेंट। एग्जांपल इसके ये दे रखे हैं। पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैव डिफरेंट पेनिट्रेशन एबिलिटी डिपेंड ऑन थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे ये डायग्राम में बना के दिखा रखा है, ये पेपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये लेड है। अल्फा सोर्स है वो इसे भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बीटा सोर्स है वो पेपर शीट को पेनिट्रेट करके एल्यूमिनियम पे रुक जाएगा। जो गामा सोर्स है वो पेपर को और एल्यूमिनियम शीट को दोनों को पेनिट्रेट करता हुआ लेड में से भी पेनिट्रेट करेगा। बट यहाँ पे ये डार्क ज़्यादा बोल्ड कर रखा है, ये यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कम हुई। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है डायग्राम में, ये क्या शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी कम है। पेनिट्रेशन के ड्यूरिंग गामा सोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देन हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। जो आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के, उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। देन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी आइसोटोप्स हैं उनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। चार मेन एप्लीकेशन है साइंटिफिक रिसर्च में, एनालिटिकल, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। यूजेस की बात करें, फर्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द फेट ऑफ इंडिविजुअल कार्बन एटम C14 ऑफ एसिटेट थ्रू TCA साइकिल। यूज टू सेपरेट इंटरमीडिएट ऑफ साइकिल एंड टू एसर्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी एटम विद इन ईच इंटरमीडिएट। यूज टू एसर्टेन द टर्न ओवर टाइम फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड। रेडियो लेबल ड्रग्स आर यूजफुल इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। यूज इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, लिगेंड बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। दीज आर सम रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेज। C14 यूज इन मेटाबोलिज्म, 3H इन सेल बायोलॉजी, आयोडीन इन रेडियो इम्यूनो एसे एंड सम आर मोर हियर। देन दिस मैटर इज ऑल अबाउट रेडियो आइसोटोप्स। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।